दोस्तों आज हम आए हैं एग्रीकल्चर BHU एग्रीकल्चर के हॉस्टल पे और आगे चलेंगे, एक बार दिखाएंगे आपको। यह है BHU एग्रीकल्चर का हॉस्टल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा। ये जो हॉस्टल है सर्वपल्ली राधाकृष्णन हॉस्टल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस का हॉस्टल है, जहाँ से लोग BSc एग्रीकल्चर और MSc एग्रीकल्चर और रिसर्च करने के लिए उत्साहित रहते हैं। साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ तो ये जो पूरे यूनिवर्सिटी में, मतलब पूरे BHU में ये जो हॉस्टल है वो रैंक 1 पे आता है। साफ़ सफाई के माध्यम से और भी क्रियाकलाप जो कि अंदर करवाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और स्टूडेंट्स के जो लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें प्रदान करते हैं। इसमें अंदर लाइब्रेरी भी है, मेस भी है, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे रूम दिए हुए हैं। हॉस्टल काफ़ी पुराना है, 1952 का ये हॉस्टल है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हॉस्टल। एग्रीकल्चर के मतलब लगभग 3 हॉस्टल हैं, एक राधाकृष्णन हॉस्टल है, एक बाल गंगाधर तिलक हॉस्टल है और तीसरा है रानी लक्ष्मीबाई। तीसरा गर्ल्स के लिए है, तो गर्ल्स के लिए हम कभी अगर कोई गर्ल्स मिलती है या फिर अगर कोई गर्ल्स देख रही हो उसको लगे कि हम अपना हॉस्टल कवर करवा सकते हैं इनसे, तो हम आपको कैमरे और सारी चीज़ें दे देंगे। आप कवर करके हमको गर्ल्स हॉस्टल भी लोगों को इन्फॉर्मेशनली बना करके दे दीजिएगा। जुड़ते हैं हम इस, ये जो ढेर सारे कमेंट्स आए हुए थे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और माफ़ी चाहता हूँ कि इतना लेट हो गया ये राधाकृष्णन हॉस्टल एग्रीकल्चर BHU का हॉस्टल कवर करने में। हम किसी भी वीडियो को इन्फॉर्मेशनली कवर करते हैं कि सारी जानकारी आपको मिल जाए, एक भी जानकारी छूटे ना। ये गार्डन है यहाँ का। अच्छा, पता है मानसु, इस हॉस्टल को शॉर्टकट में SRK हॉस्टल भी बोला जाता है। SRK सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कुछ लोग शाहरुख खान हॉस्टल समझ लेते हैं ना। SRK काफ़ी अच्छा हॉस्टल है, मतलब अगर यहाँ से 360 इधर रोड है, सामने VT है, विश्वनाथ टेम्पल, आप वहाँ देख सकते हैं, आपको वहाँ पे VT दिख रही होगी, तो वो VT है, विश्वनाथ टेम्पल है और ये हॉस्टल है। और काफ़ी आलीशान और मतलब इसकी जो बनावट है, बनावट आगे के गेट की जो बनावट है वो किसी राजशाही गेट से कम नहीं है। यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करते हैं क्या? क्या हो रहा है चाचा? ये नोटिस बोर्ड के लिए लगा हुआ है यहाँ पे। दिन की शुरुआत, सुविचार, इस पे या बस थॉट्स लिखे जाते हैं सुबह सुबह, जो भी गेट से निकल रहा है लिखते हुए निकल जाता है बाहर। और ये बिजली का खतरा, ये कुछ और नहीं लगता? यहाँ पे सिर्फ गार्ड के लिए है। कुछ नोटिस बोर्ड वहाँ पे भी लगे हुए हैं। आगे लॉन में चलेंगे। SRK हॉस्टल आलीशान हॉस्टल लग रहा है। और भी अगर आगे आएंगे, दोस्तों बीचों बीच खड़े हैं हम लोग हॉस्टल के और आप देख सकते हैं काफ़ी एक अच्छा माहौल है हॉस्टल का। आप यहां से इसी गेट से हम लोग इंटर किए हैं। इस गेट को काफ़ी बढ़िया से बनाया गया है। इंडो गोथिक आर्किटेक्चर होता है BHU के, हर एक बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर होता है वो इंडो गोथिक आर्किटेक्चर होता है। और हॉस्टल में अंदर पेड़ पौधे, मतलब काफ़ी आलीशान और बड़ा हॉस्टल बनाया जाता है, छोटा मोटा हॉस्टल नहीं होता है। एक यहाँ पे फाउंटेन लग जाता तो और भी अच्छा होता, बिरला की तरह। और आगे हम देखेंगे, कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे पेड़ काट दिए गए हैं, तो BHU में पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं, पता नहीं कब तक पेड़ बचेंगे, भगवान जाने। जितने लोगों ने कमेंट किया है बस मैं उन लोग को धन्यवाद बोलूँगा कि देखिए मैंने आपके चीज़ों को आपके सामने लाने की कोशिश की है। ये कितना शानदार पेड़ है,
इसमें से सारा कुछ काट देने के बाद भी जीवित है। दिस इज कॉल्ड द रियल एग्जांपल ऑफ लाइफ। ये लाइफ का रियल एग्जांपल। हम लोग यहाँ पे हैं, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो आप मेरे इधर तो देख रहे हैं क्या दिख रहा है, इधर भी देख लीजिए क्या दिख रहा है, दोनों तरफ देखिए क्या दिख रहा है, लेकिन मेरे सामने क्या दिख रहा है पहले देखिए आप उसको। हमारे सामने हॉस्टल का कुछ इस तरीके का व्यू है, और थोड़ा सा और अगर ऐसे घूमेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये रहा एग्रीकल्चर का पूरा हॉस्टल, बाथरूम दिखाने की कोशिश करेंगे। और दरअसल बात ये है, कभी भी बीएचयू में आए अगर आपको कुत्ते मिल रहे हैं ऐसे तो उनको थोड़ा सा प्यार दें। कभी मैं भी यहाँ पे रहा हूँ कुछ रहे हैं आप कैसे रहे हैं? अरे हाँ, एमएफए पास आउट फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद समर हॉस्टल मिला था। ये विवेकानंद डिवाइन लाइफ हमें छात्र ने बताया, और हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। विवेकानंद डिवाइन लाइफ क्या है? दरअसल हमको इसमें जो सारी सुविधाएं हैं इस ताले के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं, अगर आप इस हॉस्टल में एडमिशन लेते हो रहते हो तो आपको थर्ड ईयर में एक प्रोग्राम चलाया जाता है, आपको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, ताकि आप क्या क्या करोगे उसमें, आप कल्चरल फेस्टिवल आपको ऑर्गेनाइज करना होगा, आप घूम घूम के पेड़ पौधे लगाओगे, साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, तभी ना। ये जो ये डिवाइन मिशन किसी भी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में नहीं है, मतलब अदर देन राधा कृष्णा। अभी तक मैंने बिरला हॉस्टल कवर किया, बिरला बी कवर किया, बिरला सी कवर किया। बिरला ए ग्रेजुएशन वालों का है, बिरला बी रिसर्चर वालों का है, और बिरला सी मास्टर्स वालों का है। हमने सोशल साइंस के सारे हॉस्टल कवर किए, एएनडी कवर किया, मूना देवी कवर किए, ब्रिजनाथ कवर किए, राजा राम कवर किए, उसमें कहीं भी मुझे ऐसी चीज़ें नहीं दिखी। कई लोगों में तो लाइब्रेरी भी नहीं होती है, इस हॉस्टल में लाइब्रेरी भी है। हम आपको इधर दिखाएंगे बाथरूम की सुविधा क्या है यहाँ पे। काफी मतलब खुला खुला, ये देखिए, अगर आप यहाँ पे हाथ धोते हो तो ये शीशा यहाँ पे लगा हुआ है, ऐसे शीशा लगा हुआ है, मतलब दूर से दिखाएंगे तो बेसिन का मुंह कैसे है बताइए, इंजीनियर ने कैसे बनाया इसको, बेसिन का मुंह इधर है, शीशा उधर है। तो ताली बजाते हैं इस इंजीनियर के लिए जिन्होंने बीएचयू को, ना बीएचयू के इंजीनियर्स एक बात और बता दूं, बीएचयू में जितने भी नए नए कार्य करवाए जा रहे हैं सब ध्वस्त हो जा रहे हैं। जैसे मैं आज इस खड़ा हूँ ना यहाँ पे वॉशरूम में, पता चला कल इस वॉशरूम का ये पूरा दीवार गिर गया ऊपर वाला, अभी मैं खड़ा हूँ अभी मेरे ऊपर भी गिर सकता है। लेकिन नहीं, ये पुराना हॉस्टल है। ये मोदी जी आए थे 15 तारीख को, इनॉग्रेशन किए हैं टीचर्स फ्लैट, टीचर्स मतलब जो हमको पढ़ाता है उसका इनॉग्रेशन करने आए, और उसका छत्ता ऊपर से गिर गया, मतलब फॉल्स सीलिंग ऊपर से गिर गई। एविडेंस के तौर पे मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, देखिए क्या है यहाँ पे, दिखाइए इनको पूरा, काफी बड़ा बाथरूम है, वॉशरूम है, पूरा महल है ये यार। काफी अच्छा वॉशरूम है ये, किसी एक वॉशरूम में इनको घुसा करके देखते हैं कि ये नहाने वाला अंदर है क्या, ये नहाने वाला है, देखिए अंदर नहाने वाला है ये, ऊपर गीजर लगा हुआ है, नहाते नहाते गीजर वाला पानी आएगा। और चीजों को थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, एकदम सही सही बता रहा हूँ, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है। और बाथरूम के बगल में पूरा जंगल है, आप देख सकते हैं पूरा जंगल है, आप यहाँ से इमरजेंसी एग्जिस्ट है ये, आप इमरजेंसी में कभी भी यहाँ से निकास ले सकते हैं, भाग सकते हैं एकदम, देखिए ना ये गैप, लेकिन ये 50 किलो के अंदर वालों के लिए है, मेरे लिए सही है। तो मैं क्या मतलब और खाओ अरे यार खाना ही तो हमारा मतलब एक आदमी फिटेस्ट सर्वाइवल की थ्योरी चल रही है, और खाना जो हाँ सब है। कुछ सब लोग सब कुछ नहीं पा सकते करने की चीजें हैं।
सफाई दिखाइए, नीचे नीचे सफाई दिखाइए, नीचे दिखाइए सफाई, ये दिखाइए सब पूरा। एक वेस्टर्न स्टाइल बाथरूम दिया हुआ है, सफा नहीं है, लोग बोलते हैं बिरला ही खराब है, बहुत सारी चीजें देखने लायक हैं। वो वेस्टर्न है तो ये इंडियन है? हाँ ये इंडियन है, ये साउथ इंडियन है, ये भी दिखा दीजिए, सब वही है, चला जाए। ये देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट इस बाथरूम से अभी वो वाला बाथरूम दिखा रहे थे, आइए डायरेक्ट। काफी बड़ा है ये देख सकते हैं, बात है ये देखना इतना स्पेस कवर करता है यहाँ से। चलिए आइए बाहर, दोस्तों 24 घंटे वाईफाई की सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी भी 24 घंटे लगी होती है। हम आपको ऊपर लाएंगे एक बार, ऊपर से दिखाएंगे। ऊपर से ये हॉस्टल ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं, एक बढ़िया सा व्यू इनको दिखाइएगा। इधर देखिए, ऐसे अच्छा व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सेंटर है ना, ये सेंटर है, सेंटर से हम लोग उधर देखेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इधर दिखाइएगा एक बार मंदिर की तरफ, यहाँ पे देख रहे होंगे बाबा विश्वनाथ टेंपल है बगल में ही। इधर बेसिन की सुविधा है, बेसिन दिखाइएगा। यहाँ पे आप मुंह धोइए और यहाँ से वो दृश्य देखिए। क्या ये YouTube चैनल है आपका क्या? जी जी, अच्छा उसी के लिए बना रहा हूँ। बीएचयू में पढ़ते हैं? हाँ हाँ। किस प्रकार की? आर्ट्स की। हॉस्टल इधर दिखाइए, हम लोग कहाँ से पौध फॉलो करते हुए आ रहे थे, उतना दूर से, उतना दूर। और इधर दिखाइए धीरे से, तो हम लोग ऐसे ही आगे चलने वाले हैं। इधर दिखाइएगा इनको, मेस भी दिखा दिया ना? हाँ मेस, मेस दिखा दीजिए, मेस पीछे मेस है। स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, लाइफ बीएचयू स्टूडेंट लाइफ, बीएचयू स्टूडेंट लाइफ लिखिएगा। हम लोग नीचे चलने वाले हैं, एक छात्र से बात करने वाले हैं कि क्या प्रोसीजर है, क्या चीजें हैं, क्या है। हॉस्टल खुला है क्या? नहीं बंद है। हाँ। यहाँ से दिखाइएगा वहाँ पे, ऐसे हम लोग उस कोने में चढ़ करके, उस कोने से चढ़ करके पूरा यहाँ तक आए हैं। नीचे अगर देखेंगे आप तो नीचे दिखाइएगा, साइकिल वाइकिल आप ऐसे अपनी खड़ी कर सकते हैं, यहाँ पे सारी सुविधाएं दी हुई हैं। और चलने वाले हैं नीचे, आइए रूम देखते हैं। ये रूम नंबर 4, रूम नंबर 4, जैसे ये हम रूम में घुसना चाहते हैं तो रूम के सामने का दृश्य कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। और हम आएंगे डायरेक्ट रूम के अंदर। चड्डी भी ले लीजिएगा। ये अच्छी पेंटिंग बनी हुई है। अच्छा ये कवर्ड दिया जाता है, एक कवर्ड दिया जाता है, एक यहाँ पे छोटी सी रैक दी जाते हैं, दो तरफ रैक। एक रूम में कितने, दो लोग को रखते हैं? हाँ लेकिन कोविड में एक कर दिया था, सिंगल कर दिया था। लेकिन रूम की जो बनावट है
एक कवर दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, इसका मतलब सिंगल के लिए है। 1952 में बना था हॉस्टल, उस समय पे एग्रीकल्चर की स्ट्रेंथ कम ही हुआ करती थी। अच्छा। तो रूम ज्यादा और छात्र कम हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ गया है। तो पहले एक ही हॉस्टल हुआ करता था, अब एक नया बन गया बीजीडी एमएससी पीएचडी के लिए। अब इसमें भी इसकी स्ट्रेंथ भी कम होती जा रही है, जैसी जरूरत लगेगी फिर उस हिसाब से। अच्छा, और बने ये एक टेबल, टेबल और एक कुर्सी दोनों मिलता है। दो दो, अब दो लोग रहते हैं तो दो लोग मिलता है। इस प्राउड के बारे में बताओ, अपने इंस्टीट्यूट की पत्रिका। हाँ, ये अपने इंस्टीट्यूट की मैगजीन है जो ईयरली निकलती है। अच्छा, ये स्कूल की मैगजीन है जी, और इंस्टीट्यूट की मैगजीन है। सॉरी, इंटर का नाम बता दो। संपादिका के हैं इसमें नहीं हो। तो इसके बारे में कुछ बताइए, इसका फ्रंट पेज दिखाइएगा बस हमको। जी बिल्कुल, ये एडिटर वगैरह देखोगे नाम पीछे पीछे नहीं आगे है, देखते जाइए। यहाँ तो है, देखो रजित बघेल, हाँ आशुतोष कुमार सिंह रजित बघेल। अच्छा है, ये देखिए हमारा फिर अंदर कल्चर फ्रेशर से लेके सारे फोटो मेरा ये थोड़ा जूम करिए इस पे। ये फ्रेशर्स का हमारा है, अभिनंदन के नाम से होता है, ठीक है। ये फ्रेशर्स हमने जब दिया था जूनियर्स को, ये सृष्टि हमारा कल्चरल इवेंट इंस्टीट्यूट लिटरली। ये मेरे को सृष्टि 2019 में कराई, 20 में तो कोविड आया, 20 में हुआ सृष्टि तो हुआ ही था, उसी के बाद आया था ये। उससे कराया डांस वगैरह का, उसी तरह मीडिया कवरेज, वहीं फिर एग्रीकल्चर के कुछ पोस्ट ऑर्गेनाइजर्स के बारे में। ये फिर 18 की सृष्टि है, इसके पहले वाले की। ये साहस हमारा स्पोर्ट्स इवेंट कल्चरल जो होता है, सारे गेम्स होते हैं। और फिर शांदिस फेयरवेल होता है सीनियर्स का 4 जुलाई। ये हमारे माननीय डायरेक्टर महोदय जो हैं, उनके साथ छात्रों के फोटो हैं। अच्छा, ये डीन ऑफ इनका डायरेक्टर, ट्विटर पेज में देखता रहता हूँ इनका हमेशा। काफी एक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा वहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड जानकारियाँ। और स्पंदन में भारी भागीदार जो होती है स्पंदन, ये पूरे यूनिवर्सिटी लेवल का फेस्ट है, इसमें भी आप लोग काफी अच्छी बात है। लेकिन ये टेबल बहुत पतला और छोटा नहीं है, हर हॉस्टल की जरूरत के हिसाब से लिया है, मिलता बड़ा ही है, इससे भी बड़ा मिल जाएगा जरूरत के हिसाब से, अपने हिसाब से। अच्छा, जरूरत के हिसाब से आपने लिया है, सुविधा के हिसाब से। अच्छा, ये कपड़ा टांगने वाला कुछ काफी एंटीक लग रहा है ये। हाँ, पुराने हैं ना सब, सारे एक्टिंग एंटीक ही है सब, एंटीक है सब सारे। आशु सिमरान, अच्छा ये जो ऊपर का सीलिंग है कर्व है, मतलब पुराने पुराने पुराना है। बिरला में भी ऐसे ही बना हुआ है, सेम से। जितने पुराने हॉस्टल है ना सबका ऐसा है। और ये एक खिड़की है बाहर के लिए, हाँ वेंटिलेशन के लिए, एक इधर एक इधर, एक इधर है वो हॉस्टल के रोड पे खुलती है, ये हॉस्टल के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये पूरी लॉबी है, काफी अच्छा जगह है, ये चारों तरफ। ये आंसू और सिमरन, आंसू और सिमरन नहीं है, ये आशुतोष हमारा दोस्त बोरा, एक आशुतोष ये रहा, ये सिमरन। दो 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 आंसू है तो कंफ्यूज नहीं हो जाते हैं? नहीं नहीं, वो उसी के नाम पे, इसको जब ये नहीं वो नहीं रहता है तो इसको हम मान लेते हैं आंसू। तो दोस्तों, पूरा हॉस्टल आपको दिखाने के बाद हम हॉस्टल के मेन गेट पे बैठे हुए हैं। कुछ एग्रीकल्चर बीएचयू के छात्र मिले हैं और इस हॉस्टल के बारे में पूरी एक छोटी सी संक्षिप्त जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, जो हम एक हर वीडियो के पीछे करते हैं। जैसे किसी भी हॉस्टल को दिखाने के बाद उसके अंदर के फ्लूज एंड फ्लोज की सारी बातें एकदम अच्छे से सटीक जानते हैं कि आखिर चल क्या रहा हॉस्टल में, इन्वायरमेंट क्या है। तो देख लीजिए आप लोग कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब लोग सुशील और अच्छे लोग हैं। हम बात करेंगे, अच्छा ये हॉस्टल की कोई टाइमिंग होती है क्या कि बॉयज हॉस्टल 10 हॉस्टल में 10 बजे गेट बंद हो जाता है? यहाँ पे भी होता है ऐसा कुछ, 10 बजे गेट बंद हो जाता है? रहता है, लेकिन अगर इमरजेंसी लग गई, कोई काम है तो आपको जाना पड़ेगा, परमिशन बोल के आप जा सकते। अच्छा, और अगर हमारे पास एक मैं छात्र हूँ तो यहाँ से फैकल्टी कितनी दूर है आपकी? ज़्यादा नहीं है, 700-800 मीटर बस, विश्वनाथ मंदिर के बाद 400 मीटर, 400-500 बीटी के जस्ट बगल, 400-500 मीटर के लिए। उसके लिए लोग साइकिल रखते हैं, गाड़ियाँ रखते हैं, तो यहाँ पे रख सकते हैं हॉस्टल में? यहाँ पे पीछे रखी हुई है। अच्छा, पढ़ने के साथ साथ खेल कूद का यहाँ पे क्या माहौल है, ग्राउंड या गार्डन कुछ? 100 मीटर के खिलाड़ी हैं ये बताएंगे, खिलाड़ी नेशनल खेल के आ चुके हैं। हमारा ग्राउंड है, अच्छा ये नेशनल टी शर्ट भी इसीलिए पहने हॉस्टल के बगल में ग्राउंड है हमारा, उसमें टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, इनफैक्ट इंडोर बैडमिंटन डेवलप होने वाला है।
बाकी ग्राउंड काम चल रहा है और हॉस्टल के बच्चों के लिए हॉस्टल के पीछे बैडमिंटन कोर्ट है। अच्छा, लॉन टेनिस कोर्ट भी। अच्छा, बाथरूम के बगल में पीछे अंडर कंस्ट्रक्शन अच्छा इंडोर गेम में टेबल टेनिस में यहाँ खेला जाता है। कॉमन रूम है क्या यहाँ? कॉमन रूम मतलब किस लिए दिया जाता है कॉमन रूम? कल्चरल फेस्ट जो भी ऐसे होते हैं जो हॉस्टल के ही होते हैं हमारे जो इंट्रा हॉस्टल में रहेंगे, जैसे कि जब नए फर्स्ट ईयर के छात्र आते हैं तो यहाँ पे 15 दिन का एक हॉस्टल डे के नाम से इवेंट होता है जो कि हम स्मृति के नाम, क्योंकि हमारे हॉस्टल का नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हॉस्टल का ऐसा है। तो राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस आपको पता ही होगा 5 सितंबर को आता है, तो 5 सितंबर जब से एडमिशन होते हैं, जब नॉर्मल सब चल रहा होता है तो अगस्त से शुरू होता है और 16 अगस्त 15 अगस्त से और 5 सितंबर तक, तो ये 15 और 20 दिन तक का हमारा ये इवेंट चलता है। 5 सितंबर को हम लोग हॉस्टल डे मनाते हैं, तो उस समय जो भी इवेंट होते हैं सारे कल्चरल इवेंट्स वो सब कॉमन रूम में या फिर यहाँ नीचे होते हैं। अच्छा, मतलब उस दिन पूरा रंगारंग कार्यक्रम, पूरा कार्यक्रम, खाना भी सब लोगों का, जो हमारे इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर लोग होते हैं जो हमको पढ़ाते हैं वो लोग आते हैं, यहाँ के कर्मचारी रहते हैं और यहाँ पे पढ़ने वाले छात्र, मतलब जूनियर से लेकर सीनियर तक सभी लोग आते हैं। अच्छा, तो मतलब ये सब सारी सुविधाएं हैं। यहाँ बाथरूम की क्या सुविधा है? बाथरूम सही है जो मैंने दिखाया यहाँ पे? जो दिखाया वही है, वही है। तो मतलब इसमें कुछ अपग्रेड करने लायक है? कुछ मेंटेनेंस इसका प्रॉब्लम है, फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम? मेंटेनेंस अभी हुआ है और कुछ चल भी रहा है। ऊपर के बाथरूम में टाइल्स लगे हुए हैं, नीचे के बाथरूम में टाइल्स नहीं? चल रहा है अभी। हॉस्टल क्या है, खुला नहीं है, खुलने की संभावना भी नहीं है, तो इस वजह से कार्य थोड़े धीरे धीरे धीरे। अच्छा, यहाँ पे मैं जैसे बाहर जा रहा हूँ और अंदर आ रहा हूँ, हॉस्टल के गेट को क्रॉस किया आया तो अटेंडेंस और रजिस्टर में कहीं कुछ लिखा जाता है क्या? अटेंडेंस अभी तो नहीं चल रहा है क्योंकि नॉर्मल करिकुलम में रेगुलर नहीं होता है, लेकिन जब नए बच्चे जो आते हैं फर्स्ट ईयर में, क्योंकि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में बच्चे सीनियर हो जाते हैं तो उनको ज़्यादा परेशानियाँ नहीं आती हैं। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे रहते हैं उनके साथ थोड़ी समस्याएं रहती हैं कि उनको यहाँ की यूनिवर्सिटी का माहौल भी नहीं पता है, जगह कौन सी कहाँ पर है, कौन सा सामान कहाँ से होगा, कब आना है, कब जाना ठीक रहेगा, कौन सा गेट कब बंद होगा, तो उसके चलते यहाँ पर रजिस्टर रखा होता है, अभी भी उसमें रखा हुआ है दराज में, उसमें उनकी एंट्री होती है। अच्छा भैया, माता पिता एक जानना चाहते हैं कि बच्चे हमारे कहीं जा रहे हैं तो हेल्थ की क्या फैसिलिटीज वहाँ पे? हेल्थ की फैसिलिटी ऐसी है कि यहाँ सब लोग जनरली साथ में हम रहते हैं, किसी को कोई समस्या आती है तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे हेल्थ सेंटर है, स्टूडेंट हेल्थ सेंटर, वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद यदि और ज़्यादा ज़रूरत होती है तो सुंदरलाल हॉस्पिटल जो हमारे BHU में ही है, और किसी प्रकार की ज़रूरत होती है तो ट्रॉमा सेंटर। मतलब हम बोल सकते हैं कि BHU के पास 3-4 हॉस्पिटल हैं अपने। अभी फिलहाल में टेम्पररी DIDO भी है, तो ढेर सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी। अच्छा, उसका लाभ उठाने के लिए हमें क्या हेल्थ कार्ड बनता है? हाँ, उसके लिए जब आप नया यहाँ पे इनरोल कराते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो आप अपना जो डायरी रहेगा, आपका जो पासबुक रहता है ID, वो आप लेके वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो आपको 4 से 5 दिन में वो लोग हेल्थ कार्ड बना के देंगे, वो 4 साल आपका चलेगा। और कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हेल्थ कार्ड जो होता है सिर्फ क्या, मतलब पूरा फ्री में होता है? ईच एंड एवरीथिंग फ्री में होता है, फुल बॉडी चेकअप? हाँ, सब चीजें यहाँ पे फ्री में, सारे टेस्ट होंगे जितना भी है, सब ट्रीटमेंट आपका फ्री है। मेडिसिन के लिए क्या है कि रीइंबर्समेंट है फैसिलिटी, अगर आपका मतलब केसेस अगर ज्यादा क्रिटिकल है, ज्यादा लंबा ड्यूरेशन अगर चला ट्रीटमेंट, क्रॉनिकल है, तो 50,000 तक का मेडिसिन का आपका रीइंबर्समेंट है, और नहीं तो नॉर्मली 20,000 तक का है, बाकी सारे ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब हम अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं तो सिर्फ दवा का हमको पैसा शायद देना पड़े, और किसी चीज का जो दवा यहाँ पे उपलब्ध है उनका पैसा भी नहीं लगेगा, जो आपको बाहर से लेना पड़ेगी वो भी आप यहाँ पे क्लेम करके ले सकते हैं। अच्छा, ये फीस क्या होता है पूरे एक साल का फीस हॉस्टल का? हॉस्टल का कम्प्लीट फीस यहाँ का 4,500 रुपए है, हॉस्टल का फीस भी और इंस्टीट्यूट का फीस भी पूरा मिला के, हाँ 1290 लगभग एक सेमेस्टर का हॉस्टल फीस रहता है। ये मैं जनरल कैटेगरी का आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ पे 1290 रुपए के लगभग टोटल फीस जो होता है हॉस्टल का एक साल का और एक साल का इंस्टीट्यूट में भरने का, वो कंप्लीट 4,500 के लगभग रहता है जनरल के। मतलब 4,500 पूरे एक साल का, मतलब एक छात्र का पढ़ना और रहना 4,500 जी, और खाने का अलग से 13,500 रुपए की DD जमा करवाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, 4,500 रुपए डाइट है, आप एक साथ जमा करिए, आप हर दिन 40 रुपए में जब आप रेगुलर खाएंगे तो आपको 40 रुपए डाइट पड़ेगा, जब आप कभी भी आके खा रहे हैं ओकेशनली या फिर ऐसे आज खा लिए कल नहीं खाए, रजिस्टर में नाम नहीं लिखा रहे हैं, तो आपको 45 रुपए डाइट। अच्छा, ये अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होता है? मतलब अलॉटमेंट प्रोसेस मैं इस तरीके से पूछ रहा हूँ, संदर्भ अलग है पूछने का,
कि जैसे हम अपना सब्जेक्ट लॉक करते हैं तो ऐसे भी हॉस्टल भी 24 घंटे के अंदर लॉक करना होता है, तो कुछ ऐसी सटीक इन्फॉर्मेशन दीजिए कि एडमिशन और काउंसलिंग के बाद कितने देर के बाद हॉस्टल अलॉट हो। वो तो यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर है, वो लोग बताएंगे कि कब हॉस्टल अलॉट होगा। 3 दिन का समय भी लग जाता है, जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपको वो नोटिस दे देते हैं। आपका मेल, आपका नंबर यहाँ पर रजिस्टर रहता है। यदि आप एलिजिबल हैं, उस रैंक में आ रहे हैं जिस रैंक तक आपको हॉस्टल मिल सकता है, अच्छा। तो आपके पास नोटिस आपके पोर्टल पे आ जाएगा, आपको पोर्टल चेक करना रहेगा, पोर्टल पे नोटिस आएगा और आप पहले 2 चीज देखा जाता है, एक मेरिट और डिस्टेंस। डिस्टेंस 20-25 किलोमीटर होना चाहिए, क्योंकि डेली अप डाउन अगर नहीं कर सकते हैं तो वो डिस्टेंस। अच्छा, हम हॉस्टल की बात करें तो एग्रीकल्चर का कितने 3 हॉस्टल हैं टोटल? 3 हॉस्टल हैं, हाँ। एक बाल गंगाधर तिलक है, एक ये राधा कृष्णन है और एक रानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स हॉस्टल है। टॉपर्स को ही हॉस्टल दिए जाते होंगे? हाँ, रैंक के बेसिस पे और दूरी के आधार पे मिलता है। 300 नंबर का आप लोग का पेपर होता है पूरा एग्रीकल्चर का? हाँ। कितने नंबर लाते हैं तो हम हॉस्टल फिक्स हो जाते हैं कि हमारा इतने नंबर? वो हर बार के कट ऑफ के ऊपर है। 100 लोग 300 में से यदि 250 ले आएंगे तो फिर कट ऑफ हर बार वेरी करता है ना, वेरी करता है। तो वैसे जनरली यदि आपका यहाँ का हाईएस्ट कट ऑफ जो है वो 225 से 230 तक गया है। अच्छा, हाँ। उसके अलावा 200 नंबर यदि आप ला रहे हैं सामान्य स्थितियों में तो आपका एडमिशन भी मिल जाएगा आपको। 200+ होना चाहिए ये, तो आपका ये है कि आपको मेन कैंपस नहीं तो साउथ कैंपस तो मिल ही जाएगा। अच्छा, पूरे हॉस्टल में कितनी सीट है यहाँ पे? यहाँ पे लगभग 120 रूम है। 120 रूम है, 4 ईयर का, एक रूम में 2 लोग रहते हैं। 240 छात्र इसमें रहते होंगे एक साल में। एक साल में 60 लोगों को सीट, मतलब एक बैच में सिर्फ 60 लोगों को दिया जाता है। और वो फैकल्टी में सीट कितनी है इंस्टीट्यूट में आपके पूरे? वहाँ पे 123 तो एग्जाम के थ्रू आते हैं, बाकी एम्प्लॉय कोटा चलता है, आईसीआर कोटा चलता है, तो 50 सीट लगभग वहाँ से फिल हो जाती हैं। और बाकी एक इंटरनेशनल कोटा भी चलता है, उसके थ्रू 20-25 सीट है। बाकी साउथ कैंपस है वहाँ पे 40-45 सीट, वहाँ पे सिर्फ 40-45 सीट, वहाँ पे 40-45 सीट। साउथ कैंपस इससे बड़ा है, 40-45 सीट रखे वहाँ पे। बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे है, अभी डेवलप हो रहा है, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है उसकी तुलना में, और वो नया बन रहा है धीरे धीरे, अभी वहाँ भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। अच्छा, ये जो 123 सीट आपने बताया, हम एम्प्लॉय कोटा का अलग रख देते हैं, सब अलग है एम्प्लॉय, ये सिर्फ एग्जाम जो एग्जाम होता है बीएचयू यूईटी, फेयर एकदम पूरा फेयर सीट है ये, मतलब नॉर्मल फीस वाली। पेड सीट भी कुछ इसमें शामिल है, इसमें पेड सीट भी शामिल हो गया, कुछ 8-10 नहीं सीट आफ्टर 123 के बाद पेड सीट है। पेड सीट का कितना फीस होता होगा? लगभग 20,000 मतलब ईयरली 40,000। अच्छा, ये राधा कृष्णन हॉस्टल है, काफी लोग बाहर से भी खाना वाना खाने आते हैं यहाँ पे। मिस तो खाना बहुत अच्छा मिलता है, खाना अच्छा मिलता है, मिस तो काफी अच्छा है यहाँ पे, इसलिए दूर दूर से लोग आते हैं। हॉस्टल के रैंकिंग पे नंबर 1 पे भी आता है, 4 बार आ चुका है। तो वार्डन कैसे हैं यहाँ के? वार्डन बदलते रहते हैं, जैसे स्थायी नहीं है, हम लोग 4 से 5 वार्डन को, वार्डन और एडमिन वार्डन यहाँ पे देख चुके हैं। पहले जब हम आए थे तब दूसरे थे, अभी दूसरे हैं। वार्डन ठीक है, चूंकि हम लोगों के प्रोफेसर ही रहते हैं तो इंटरेक्शन हम लोगों का काफी अच्छा रहता है, क्लास में भी उन लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ पे आके भी मिलते हैं, तो काफी फैमिलियर माहौल है। और बच्चों पे ज्यादा डिपेंड करता है हॉस्टल का माहौल, जैसे बच्चे सवाल करेंगे उस तरीके का वहाँ से जवाब मिलेगा, वैसे रिस्पॉन्स मिलेगा, तो ठीक है। अच्छा, इतना बड़ा हॉस्टल है, आपने बोला कि 240 छात्र रहते हैं, कितने वार्डन टोटल रखे जाते हैं यहाँ पे? 3 रखे जाते हैं, 2 वार्डन रहते हैं, 1 एडमिन वार्डन रहते हैं। 3 वार्डन रखे जाते हैं, क्योंकि बीएचयू का एक प्रावधान है कि बीएचयू में अगर आप 80 छात्र अगर एक हॉस्टल में रह रहे हैं तो 80 छात्र पे 1 वार्डन, अगर 80 से बढ़ता है तो दूसरा वार्डन, यहाँ पे हमको लगता है 240 है इसलिए 3 वार्डन रखे हैं। तो तीनों वार्डन क्या संभाल लेते हैं अच्छे से? 3 भी बहुत जरूरत से ज्यादा है, एग्रीकल्चर का जैसा माहौल है वहाँ 1 भी पर्याप्त है, लेकिन 3 बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। छात्रों का इंटरेक्शन क्या है आप आपस में? जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, काफी फैमिलियर माहौल है, बिना मास्क के बैठे हैं, अच्छा इंटरेक्शन बिना मास्क। सिक्योरिटी दिखाइए इनको, सिक्योरिटी पीछे अच्छे अंकल है हमारे, गार्ड अंकल है, ऐसे सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं, आर्मी से रिटायर्ड होते हैं, कई कई पोस्ट के भी होते हैं, स्टार लगा के घूमते हैं, वही का मिलता है ना? हाँ, वहाँ यहाँ पे बीएचयू में कोई ऐसा स्टार नहीं दिया जाता,
या वहाँ की रैंकिंग के हिसाब से वो जो कमाए रहते हैं वो यहाँ पहनते हैं। क्योंकि देश की सबसे सम्माननीय नौकरी को छोड़कर ये लोग आए हैं हम यहाँ संस्थान की और विश्वविद्यालय की सेवा में, तो हमको नहीं लगता कि इनसे बेहतर अपने कर्तव्य का निर्वहन अनुशासन को यहाँ पे सब इन चीजों का कोई इनके अलावा कर पाएगा, इनके अलावा कर पाएगा। लेकिन चाचा ये बताइए कि सुना है नौकरी 12 घंटा करा रहे हैं, दे रहे हैं 8 घंटे का पैसा। इस मामले में आप कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगा, बोल भी दिया हूँ, अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा फिर भी काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, इनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। पूरे गार्ड के जो समूह था, जो एक स्ट्रक्चर था जिसको चीफ प्रॉक्टर ऑफिस संभालता था, उसके पेमेंट में जो वितरण होता है उसको प्राइवेटाइजेशन में कर दिया गया है। 92 करोड़ का पूरा इसका, एक तरीके से एक साल का 92 करोड़ का इसका पूरा है, पूरा टर्नओवर। इसमें इतने पैसे में लोगों को पैसे दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, नई नियुक्ति होती है, हर साल लोग यहाँ पे आते हैं। और गार्ड जो यहाँ पे आपके नौकरी करते हैं वो गार्ड नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं कि आगे चल के वो यहाँ पे रुके ना रह जाएं किसी एक अलग पोस्ट पे, क्योंकि आर्मी की जो ड्यूटी होती है 15 साल की होती है, 15 से 18 साल की होती है। और उसके बाद वो जो उनका फिटनेस लेवल होता है वो एग्जामिन करने के लिए उनको फील्ड नहीं मिलता, तो वो अलग प्रतिभा दिखाने के लिए, फुर्ती दिखाने के लिए अलग अलग जगह पे नौकरियां लेते हैं। और आप अगर आएँ तो इनको सदैव इज्जत दें हमेशा, क्योंकि ये आपके पिता समान हैं, इनकी उम्र लगभग उतनी ही होती है। कहने का पूरा संक्षिप्त वर्णन यही है मेरा। और बात करेंगे हम यहाँ पॉलिटिकल एंगल, जैसे लोग होते हैं छात्र नेता वेता एक नहीं, नहीं ऐसा कुछ, ऐसा कुछ एग्रीकल्चर में यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ईयर जो आता है वो सबकी सुनता है, फिर उसके ऊपर जैसे जैसे जाते हैं वही है, वैसे वैसे सुनते रहते हैं। रिलीजियस एंगल मतलब सेक्युलर है, बिल्कुल एकदम सेक्युलर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वेद नहीं है, कोई वेद ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू है, एक वेद है, सबको भाई भाई माना जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई भाईदार यहाँ पे चलती है, एक ही बर्तन में खाते हैं, एक ही जगह रहते हैं। अभी मैं बंद है नहीं तो आप देख भी सकते थे, एक ही साथ बैठ के खाते हैं। अच्छा, ये सवाल नहीं आता है, इतने बड़े संस्थान में आप बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने वालों से ये सवाल पूछते हैं तो मुझे नहीं लगता इस सवाल का कोई आधार है कि जातीयता और धार्मिकता यहाँ पे चलना ऐसा कोई, मतलब इंस्टीट्यूशन में ऐसी चीजें नहीं चलती हैं। खासकर मैंने ये जो स्टूडेंट लाइफ ब्लॉग का जो चैनल स्टार्ट किया जब, तो मैंने आर्ट्स एंड सोशल से ज्यादा ये सब चीजें स्टार्ट की, तो काफी लोग छात्र नेता मिलते हैं अपने आप को बताने वाले कि हम छात्र नेता है, चीज अच्छी है, अच्छी है। देखिए राज्य और शायद उन छात्र नेता को उनके फैकल्टी के अलावा कोई और फैकल्टी वाले जानते भी नहीं है। नहीं देखिए एक बात हम आपको बताएं, राजनीति हम, आपने भी सवाल पूछा तो पॉलिटिकल बोल के आप थोड़ा सा हंस दिए, उस तरीके की मुस्कान थी आपकी जिस प्रकार का कोई व्यंग मारते हैं। राजनीति बहुत अच्छी चीज है, जिस शब्द में नीति लगा हुआ वो बुरी नहीं होती है। राजनीति से हमारा देश चल रहा है, राजनीति से हमारा शासन प्रशासन घर चलता है, नीतियों से घर चलता है ना, उसमें नीति राज लगा हुआ है वो बड़े स्तर पे है, बुरी चीज नहीं है। यहाँ आप भी वोट डालते हैं, हम भी वोट डालते हैं, बाकी यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। तो अच्छा 240 लोग हैं यहाँ पे, मतलब टोटल अगर स्ट्रेंथ रहेगी 240 रहेगी, तो मेस कितने हैं टोटल? लेकिन मेस दो मेस इतने बड़े पॉपुलेशन को संभाल रहा है, बाहर के भी संभाल लेते हैं, बाहर के भी संभाल रहा है, संभाल लेते हैं। बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे, एक बार अय्यर में झगड़ा हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था क्या? आई थिंक नहीं, अय्यर में हुआ था ना, हम 4 साल से यहाँ पे हैं, हमने कोई ऐसा झगड़ा नहीं देखा है बाहर। मैं इसमें खाने के लिए अय्यर में झगड़ा किए थे कि कहीं और झगड़ा किए थे? अय्यर में हुआ था, अय्यर में झगड़ा किए थे, 2-3 साल ऐसा नहीं है, कॉपरेशन है, कॉपरेट करते हैं वो लोग भी, जब दिक्कत होती है ज्यादा लड़के बाहर से आने लगते हैं तो बोल दिया जाता है कि थोड़ा सा टाइम करें। देखिए कोई भी शौक से नहीं आएगा, या तो अच्छा सुविधा उसको मिलेगा तो आएगा, या उसको जरूरत होगी, पेट की जरूरत के कारण यहाँ पे आता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा हॉस्टल है, हमारा मैस है, हमारा खाना है, नहीं है। जो लोग यहाँ पे मैस चला रहे हैं उनका भी अपना छोटा सा व्यापार है, घर परिवार है, यदि हमसे उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है तो वो लोग बाहर के लोगों को अलाउ करते हैं। यहाँ पे जब माहौल सामान्य रहता है, अधिकतर समय सामान्य ही रहता है, तो सभी लोग आते हैं, खाते हैं। और जब कभी ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार का कोई बवाल है, कुछ कारण है, तो उसके चलते गेट वगैरह बंद रहते हैं, तब थोड़ी सी छानबीन गार्ड अंकल लोग करते हैं कि कौन है, किस संस्थान से। चूंकि जैसे अभी मोदी जी आए थे, माननीय प्रधानमंत्री हमारे, तो उस समय पे हॉस्टल बंद कर दिया, ऐसी कोई परिस्थितियां बनती हैं तो नहीं, तो सब आते हैं, सब खाते हैं, सब मिल बैठ के खाते हैं। अच्छा, मोदी आए तो हॉस्टल बंद कर दिया गया था? नहीं, वो बंद उस तरीके का बंद नहीं, लेकिन थोड़ी सी पाबंदियां, सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी कि कोई ऐसे लोग शरण इसमें ना लें जो, संकट मोचन का आपने सुना होगा, यही रहने वाले छात्र का उसमें भागीदारी रही है,
तो उसके चलते थोड़ा, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा है। अच्छा, प्रधानमंत्री अपने प्रोटोकॉल रहते हैं। तो मेस की हमने पूरी बात कर ली, कैंटीन की बात करेंगे। कैंटीन मेस तो हमारा दो दो तीन तीन घंटे का समय होता है, एक 12 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक आप खाना खा सकते हैं, रात के 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक खाना खा सकते हैं। कैंटीन क्या पूरे 24 घंटे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सुबह 8 बजे से क्लास है तो शुरू हो जाता है, 7 बजे से कैंटीन शुरू हो जाता है, वो लगभग 12 बजे मेस चालू होता है, उससे 1 घंटे पहले तक चलता है, 11 बजे तक चलता है। अच्छा, फिर उधर दोपहर का जब मील चलता है तो 2 बजे तक मेस चला है, तो 3 बजे से फिर कैंटीन शुरू। कैंटीन और कैंटीन में क्या होता है? पराठे, दूध? हाँ बिल्कुल, मैगी, वैरायटी है, मैगी, दूध, पराठे, अंडे। अच्छा चलता है, जो भी एक स्टूडेंट डाइट के लिए इम्पोर्टेंट होती है, हल्की हल्की दलिया, समोसा, छोला, समोसा, पूरी, कचौड़ी, कचौड़ी जो बनारस का फेमस है। अच्छा, ये सब देते हैं। MTS के बारे में कुछ बताएंगे, जो नए नए छात्र आते हैं अपना रूम बेचारे खुद साफ करने लगते हैं, MTS के बारे में बताइए, वो कैसे यूजफुल होते हैं? देखिए, जिसके लिए वो रखे गए हैं वो अपना करते हैं। हाँ ठीक है, नए बच्चे आते हैं उनको नहीं पता रहता, अपने से करते हैं, उसमें भी कोई गलत नहीं है, लेकिन जब भी कहते हैं माफ करते हैं तो होता है। हर लॉबी में एक MTS उस लॉबी में देखिए साफ करता है। अच्छा, मतलब 240 स्टूडेंट हैं, कई तो लॉबियां हैं, तो लगभग 4 एक ईयर का एक रहता है, एक ईयर में एक, उन लोगों को आपस में बांट दिया गया है, 4 लोग हैं, वो लोग काम करते हैं अपना, सुबह का काम है, जब सभी बच्चे रहते हैं तो एक सुबह सबसे पहला उनका काम रहता है सबके रूम में जाके झाड़ू लगाना। हमारे लिए अलार्म भी वही है, उठाते हैं सुबह सुबह, उन्हीं की वजह से क्लास भी चले जाते हैं। सुबह आएंगे, झाड़ू लगाएंगे तो उठाएंगे, क्लास चलेंगे। अच्छा, आके रूम में झाड़ू लगाते हैं, मतलब वो आपका मन है, यदि आप सोना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए, नहीं लगवाएंगे। अच्छा, ये मतलब वो रूम साफ करेंगे पूरा, ये सब चीजें लॉबी साफ करेंगे, फिर यहाँ गार्डन, गार्डन वार्डन को माली रहते हैं, गार्डन के लिए माली अंकल हैं, वो अलग है, और बाथरूम की सफाई के लिए एक और अली अंकल हैं, जिनको हम लोग जब प्रोग्राम कराते हैं तो इन लोगों को भी हम उसमें शामिल करते हैं। जैसे खाना तो सब लोग खाते ही हैं, इन लोगों को अवार्ड भी हम लोग देते हैं, सबको एक कॉमन दिया जाएगा, कोई भी अंग वस्त्र बैठ करते हैं, कुछ भी छोटा सा एक तोहफा वो लोग हमारे लिए हैं, तो हम लोगों को कुछ फर्ज बनता है उनके लिए, बाकी एक बेस्ट जो एम्प्लॉई होगा उसका अवार्ड भी हम देते हैं, कि जब कोई पुराने एम्प्लॉई रिटायर होकर जाते हैं तो उनके लिए भी हम लोग फेयरवेल देते हैं। हाँ, रिस्पेक्टफुल काम चीजें चलती रहती है यहाँ पे। अच्छा, कल्चरल फेस्टिवल का क्या माहौल है, आपने थोड़ा सा हमको बताया था, मैंने वहाँ पे एक विवेकानंद करके क्या विवेकानंद डिवाइन लाइफ मिशन एक संस्था है, जो हमारे यहाँ के एक्स वार्डन, पुराने वार्डन जो 4 साल लगभग वार्डन रहे हमारे ही प्रोफेसर, वो यहीं से पढ़े हुए हैं, इसी हॉस्टल में रहे हैं, उनके ही द्वारा स्थापित की गई है, उनके और उनके एक मित्र के द्वारा स्थापित की गई थी, उन्होंने आगे बढ़ाई, फिर उसी परंपरा को यहाँ पढ़ने वाले छात्र आगे बढ़ा रहे हैं। अब एक थोड़ी बड़ी संस्था का उसने रूप ले लिया है, लाइब्रेरी हो गई है, लाइब्रेरी के रूप में उसकी शुरुआत हुई थी एक रूम से, फिर अब एक बड़ा कॉमन रूम हॉस्टल का उसको मिल गया है, सभी विषय की वहाँ पर किताबें दी जाती हैं, रखी हुई हैं, आप जाइए, आपको घर पे यहाँ पे रूम में लेके पढ़ने का मन है तो आप वहाँ साइन करके आप रूम में लेके आइए, आपको वहाँ बैठ के पढ़ने का मन है आप वहाँ बैठ के पढ़िए, वहाँ पे अच्छा माहौल है, 15 लोग लगभग वहाँ पे बैठ सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है, और उसको चलाने के लिए कुछ थर्ड ईयर से कुछ 10-12 मेंबर उसके बनते हैं, जो उसका सारा देखते हैं, फंडिंग कहाँ से, सभी बच्चों से ही पैसा कलेक्ट किया जाता है, वो यूथ डे ऑर्गेनाइज कराती है VDLM, और एक दिसंबर के महीने में कपड़े वस्त्र दान का कार्यक्रम होता है, सभी छात्र पुराने नए वस्त्र इकट्ठे करके उसमें जमा करते हैं, फिर वो मेंबर लोग जाके यहाँ बनारस में जिनको जरूरत होती है वो वस्त्र उनको बांटते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप भी लगता है, अभी बंद है लेकिन पहले लगा करता था, और भी बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं, मिलता है। अच्छा भैया, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज यहाँ पे कैसी है? इलेक्ट्रिसिटी तो आप भी देख रहे हैं 24 घंटे रहती है, वाटर के लिए वाटर कूलर रखे हुए हैं, अभी वैसे जनरल 2 मैस में है, 2 यहाँ पे बाहर है, 4 वाटर कूलर है, पर्याप्त। अच्छा, पर्याप्त है ये। और इलेक्ट्रिक अप्लीकेंसेस किस तरीके का यूज कर सकते हैं? क्या चीज नहीं यूज कर सकते? एसी नहीं लगा सकते, हीटर नहीं लगा सकते, एसी नहीं लगा सकते, कूलर नहीं लगा सकते हैं, अब हाई वोल्टेज अप्लायंस नहीं यूज कर सकते हैं, और खासकर जिससे बाकी छात्र हैं, छात्र जीवन की कोई सीमाएं नहीं होती, कुछ सीमाएं नहीं होती है, जैसे आप कंफर्टेबल हैं जिस चीज का आपको उपयोग, बाकी इन चीजों की आवश्यक इतने पेड़ हैं, यदि कोई ना कटवाए तो पेड़ बहुत हैं संस्थान में, विश्वविद्यालय में देख रहे हैं आप, 1,75,000 2017 का सर्वे है, यहाँ पे पेड़ हैं,
1,75,000 रुपए। हाँ, ये सर्वे है 2017 में हमको बताया गया था, काउंसलिंग में आए थे, लेकिन अब ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की ये बदनसीबी कहो या फिर काम ना करने की चीजें कहो कि यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ जो बुजुर्ग पेड़ हैं वो टूट के गिर रहे हैं, उनको काटा जा रहा है। ये काफी 100 साल पुराने हो गए, काफी पुराना कुछ नहीं होता, पुराने हैं लेकिन उनका एक मेंटेनेंस होता है ना, जैसे हमको पढ़ाया जाता है एग्रीकल्चर वाले हम लोग हैं, उनमें पानी नहीं मिलेगा बरसात के अलावा, उनकी व्यवस्था नहीं की जाएगी, कटिंग टूलिंग वो सब होता है, कुछ नहीं किया जाएगा तो टूटेंगे ही, खोखले हो जाएंगे, खोखले होकर गिरते हैं। अच्छे पेड़ भी रहते हैं उनको भी काट दिया जाता है, बिल्डिंगे बना दी जाती है, वो अलग अलग स्थिति। काफी सारे नए निर्माण बीएचयू में चल रहे हैं जी। अच्छा, एक न्यूज भी सुना है कि नहीं, अभी फिलहाल में मोदी जी जब आए थे यहाँ पे तो गए थे शिक्षक के फ्लैट का इनॉग्रेशन करने, जिस फ्लैट का वो इनॉग्रेशन किए जहाँ पे वो खड़े थे वहाँ का ऊपर का फॉल सीलिंग गिर गया, एक दिन बाद उनके जाने के 24 घंटे भी नहीं हुए थे, फॉल सीलिंग गिर गया वहाँ का, वो शुभ नहीं रहा उनके कुछ के लिए बनाया गया। लेकिन पुराने बिल्डिंग एक नंबर, मतलब विश्वास पे बना हुआ है पुराना, ये 1952 का इसका निर्माण है, और अभी आप देख लीजिए 3-3 फीट चौड़ी दीवारें हैं, अभी आप बैठे हैं, सुरक्षित है, एकदम ठंडा माहौल, गर्मी में भी ठंडगी रहती है पूरी एकदम। अब नए लोग वैसा नहीं बना पाएंगे, नहीं वैसा नहीं है, जितने भी नए बड़ी हैं मजबूती घटी है। अच्छा, पेट वेट अलाउड करते हैं क्या, कोई कुत्ता बिल्ली रखना चाहे, शौकीन तो लोग होते ही हैं, गाय में एग्रीकल्चर वाले हैं तो गाय में साफ रखना चाहिए, गाय रख सकते हैं, परमिशन लीजिएगा, परमिशन लीजिएगा, वार्डन से रखिएगा, उसके लिए कुत्ते बाकी हम लोग पर हैं, ये एक का नाम आंसू है, एक का नाम सिमरन है, दो कुत्ते आंसू और सिमरन दो कुत्ते हैं हमारे पास, का नाम भी है तो उसका नाम लिया आइए सिमरन जी। अच्छा, लाइब्रेरी फैसिलिटीज हैं क्या? हाँ, हॉस्टल में तो बीडीएल में बताए हैं हम, 15 लोगों की कैपेसिटी, 15-20 लोगों का, इंस्टीट्यूट में अपनी खुद की लाइब्रेरी है और बाकी साइबर लाइब्रेरी और एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी आप सुनी, हम कैंडी ग्रंथालय, शिवाजी गायकवाड, शिवाजी गायकवाड आप लोग के फैकल्टी के सामने, सयाजी। अच्छा, हम अपना खाना बना सकते हैं क्या खुद रूम में बैठ के? जरूरत नहीं पड़ती है बनाने की, जैसे कि किसी का मन कर दिया कभी कुछ खाने का, फिर मैस वाले भैया भाग गए हैं, बीएचयू में कहीं भी मैस नहीं चल रहा, ढेर सारी सिचुएशन होती है, तो ऐसे में क्रिटिकल अब हो ही गया, इमरजेंसी में तो क्या करें, आप लोग कभी नहीं बना के खाए क्या? अब बना के खाए हैं हम, जब ऐसी सिचुएशन हुई है कि मैस नहीं है, कैंटीन नहीं, अच्छा खाना नहीं, हमको खिचड़ी की जरूरत है, बीमार है, तो वैसे ये सब चीजें भी उपलब्ध है, जैसे आपको खिचड़ी चाहिए आप मैस में कैंटीन में बोलिए आपको मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन जब आपको लगे तो आप बनाएंगे। वाईफाई का क्या है? वाईफाई ये लगे हुए इंटरनेट का रूटर देख रहे हैं, रूटर लगे हुए हैं इधर, 4 GB पर डिवाइस, बहुत दूर वाईफाई राउटर लगा, 4 GB पर डे पर डिवाइस, पर डिवाइस, पर डे पर डिवाइस, लेकिन 4 GB से ज्यादा यूज कर सकते हैं आप, मैं लगभग, अगर आपके पास कई डिवाइस हैं तो नहीं, मैं एक सिंगल डिवाइस से मैं लगभग 20-25 GB यूज करता हूँ एक दिन में, क्योंकि मुझे अब ये वीडियो बना रहा हूँ 30 मिनट का होगा, 40 मिनट का होगा, इसको अपलोड 4K में अपलोड करना है, तो इसके लिए डाटा चाहिए होता है बहुत ज़्यादा है, तो लगभग मिल जाता है और भी। अच्छा, रैगिंग का क्या है, जूनियर्स के साथ कैसा व्यवहार है? ऐसा कुछ भी नहीं है, रैगिंग मुक्त परिसर है, रैगिंग मुक्त परिसर है, आप बिल्कुल रैगिंग नहीं होता, नॉर्मल इंटरेक्शन होगा, बिना इंटरेक्शन के हम आपस में कैसे जानेंगे, इंटरेक्शन मतलब इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन तो क्या कॉमन रूम में बुला करके? हाँ, वैसा होगा, कॉमन रूम में बुलाएंगे या फिर इंडिविजुअली जाएंगे उनके पास, के लिए फेस्ट कराया जाता है, 15 दिन का जो फेस्ट बताए थे हम, इंटरेक्शन के लिए 5 से। अच्छा, 15 दिन का कोई एक कराया जाता है, 15-20 दिन का लगता है, 5 सितंबर हॉस्टल से, 5 सितंबर तक लगातार हॉस्टल से, 5 सितंबर अलग अलग ऐसे राइटिंग इवेंट्स, लिटरेरी इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट, बैडमिंटन, हाँ तो बस वो स्टार्टिंग में ही होता है, एक ही बार होता है, रुक जाइए उसको बंद कर दीजिएगा। अच्छा, तो एट लास्ट हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर, मतलब बहुत शॉर्ट में बताइएगा, ये जो एग्रीकल्चर का आपका एंट्रेंस एग्जाम है बीएससी एग्रीकल्चर का, कितना कठिन है, मतलब कैसे फॉलो करें हम अपना सिलेबस को, तो यहाँ पहुँच जाएंगे शॉर्ट में? कठिन है, आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तो उसके लिए मैं बताऊँ आपको, 100 नंबर का एग्रीकल्चर आता है, जिसमें से थोड़ा एनिमल हस्बेंड्री के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो दोनों एक ही सब्जेक्ट में 100 नंबर का नहीं,
और उसमें 100 क्वेश्चन टोटल रहते हैं, 150 नंबर का आता है। हाँ, 150 नंबर का आता है। 50 क्वेश्चन उसमें एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री के रहते हैं, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहते हैं, 75 नंबर का ये हो जाता है, और 25 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के रहते हैं। 75 नंबर ये हो जाते हैं। टोटल 300 नंबर है। 200 नंबर आप यदि 200 प्लस ला रहे हैं, और फिर रिजर्वेशन अलग अलग पीएच कोटे का या फिर अलग अलग जो रिजर्वेशन है उस हिसाब से बोल, लेकिन नॉर्मल जो कट ऑफ है वो 200 नंबर यदि आप ला रहे हैं 200 प्लस तो लगभग हो जाता है। और सिलेबस हमको जैसे कि अगर हम अपना 11 12 तो बायो बैकग्राउंड से है, हाँ, तो आप बायो फिर एग्रीकल्चर की जगह आपको बायो आएगा, बॉटनी जूलॉजी आएगा, 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन बॉटनी और जूलॉजी में बटा होता है, हां 25 क्वेश्चन मैथ से है, तो आपको मैथ 25 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री और रीजनिंग सेम रहेगा। 200 के ऊपर आया तो हमारा आता है, नहीं सकते, पेपर पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग आए थे तो पेपर थोड़ा सा टफ आया था, तो मैं कट ऑफ नीचे गया था, जनरल का कट ऑफ 182 समथिंग था, लेकिन डिपेंड करता है, और पिछली बार ये जाते जाते 244 चला गया था जनरल कैटेगरी का, वो मतलब कट ऑफ 182 से 244 ये काफी जंप किया है। पेपर पे डिपेंड करता है कट ऑफ। अच्छा, ये 244 जिस दिन था सबसे नीचे वाला गया था जिसपे खत्म हो गया कि नहीं, अब इसके बाद एडमिशन 244 वाला का नहीं हुआ था जनरल का, 245 पे हुआ था, बाकी क्लोज हो गया 245 पे हुआ था, बाकी क्लोज हो गया था। मैं नहीं, ये तो सबसे लोएस्ट 125 होगा ना, नहीं कट ऑफ मिनिमम होता है जनरल कैटेगरी का, वो जनरल कैटेगरी बाकी 80 कैटेगरी का उससे 20-25 नंबर कम था। अच्छा, मतलब ये कट ऑफ होता है, पेपर पे डिपेंड करता है, पेपर पे डिपेंड करता है कैसा पेपर आया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने समय दिया। दोस्तों, इसी तरीके से हमने सारा चीज ऑर्गेनाइज किया और आपको दिखाने की कोशिश की। जो भी कुछ छूटा होगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा, कभी कोई मिलेगा तो फिर से कवर करेंगे।